question is, an electric current of 0.965 ampere is passed for 2000 seconds through a solution containing, this is the compound you have, this is the ion you have, Cu, CH3, CN4 and plus, and metallic copper is deposited at the cathode, the amount of copper deposited is. मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर हमने 0.965 एम्पीयर का करंट 2000 सेकंड के लिए एक सॉल्यूशन से पास किया जिसमें ये पर्टिकुलर आयन प्रेजेंट है, तो कॉपर का कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, और क्वांटिटी आपको मोल में दी हुई है. तो सबसे पहले इसमें जानने की बात ये है कि आपको जानना पड़ेगा रिएक्शन, कि क्या रिएक्शन होता है कॉपर का अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. तो ध्यान से समझिए कि यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है Cu एंड वी हैव CH3CN फोर टाइम्स एंड पॉजिटिव चार्ज. तो ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे कॉपर का आप देखो तो ऑक्सीडेशन स्टेट केवल प्लस वन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये बनाएगा कॉपर प्लस CH3CN के चार मोल बाहर निकल जाएंगे, राइट. तो सिंपल रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो Cu प्लस इज एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज गोइंग टू फॉर्म Cu, या फिर वन मोल ऑफ Cu प्लस विल एक्सेप्ट वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब कि क्या होगा, वन फैराडे चार्ज को कंज्यूम करेगा Cu प्लस, तो यह एक मोल कॉपर देगा, राइट. एक मोल कॉपर मतलब 65.5 ग्राम है ना. अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए हमको क्या करना है. आप जानते हो फॉर्मूला है ना, आपको फॉर्मूला पता है, वेट इज इक्वल टू व्हाट, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी. तो सबसे पहले हम चार्ज फाइंड आउट कर लेते हैं. बहुत ही सिंपल तरीके से हम चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना फैराडे चार्ज है. तो हमको पता है क्या है, क्यू इज इक्वल टू आई टी, राइट. अगर Q इज इक्वल टू आई टी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, I हमको दिया हुआ है 0.965 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 2000 सेकेंड, ये एम्पेयर में है, ये चीज़ का भी ध्यान रखना, और ये सेकेंड में है. यूनिट आपको एम्पेयर और सेकेंड ही यूज़ करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं यूज़ करते हैं. तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02 फैराडे. So the charge is 0.02 फैराडे. इस इक्वेशन से क्या है बात निकल के आ रही है कि अगर हमारे पास एक मोल है Cu प्लस तो हमको एक फैराडे चार्ज चाहिए, या फिर एक फैराडे चार्ज के लिए कितना Cu प्लस कंज्यूम होगा, एक मोल, राइट. तो हमारे पास चार्ज कितना है 0.02 फैराडे, तो कितना Cu कंज्यूम होगा, यहां पे कितना Cu प्लस कंज्यूम होगा, 0.02 मोल. आ रही बात समझ में, कि सबसे पहले हम चार्ज फाइंड आउट कर लिया हमने, यहां पे हमको क्या मिल गया 0.02 फैराडे मिल गया. अभी यहां पे क्या हो जाएगा, अगर हमको एक फैराडे के लिए हमको कितना चाहिए, एक मोल Cu प्लस, तो 0.02 फैराडे के लिए हमको कितना चाहिए Cu प्लस, 0.02 मोल. अब देखते हैं ऑप्शन में कहीं है, ये है 0.02 मोल. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. अंडरस्टूड, कॉन्सेप्ट समझा आपको, राइट. कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा सारा, और फिर हम अगले वीडियो में दूसरे किसी टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, राइट. एंड अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर वी अपलोड एनी वीडियो यू विल बी नोटिफाइड. And thank you so much for watching this video.